Hello friends, hope you all are doing well. In this particular video, we will be talking about the new EV policy which Government of India just recently notified. This video would be in three parts and it would be in Hindi and English both. So, ye teen hisson mein hoga hamara video. In the first part of the video, we will be understanding how the import duty works for import of the cars in India. Second part, we will be discussing about the EV policy. थर्ड पार्ट वुड बी हाउ इट इम्पैक्ट्स आर ईवी सेक्टर, कौन से मैन्युफैक्चरर्स को इम्पैक्ट कर रही है ये, या इसका लॉन्ग रन में हम कस्टमर्स को, ऑटो ईएम्स को, एज अ कंट्री हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो पहले तो हम ये जानकारी लेंगे कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी कैसे लगती है. सो विच एवर मैन्युफैक्चरर इज़ getting the cars imported in India, so they do it via two routes. One which is popularly, these terms are very popular in the auto enthusiast world. So एक हम बोलते हैं CKD, दूसरे को हम बोलते हैं CBU. इन CBU इट इज़ कम्प्लीट बिल्ड यूनिट, गाड़ी बनी बनाई जो होती है वो मैन्युफैक्चर जो भी अपने ग्लोबल प्लांट से इंडिया में इंपोर्ट करता है पूरी बनी बनाई होती है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाते, इट इज़ फुल्ली इम्पोर्टेड. सो जो फुल इम्पोर्टेंट गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी 40,000, अगर मैन्युफैक्चर की जो गाड़ी है $40,000 से ऊपर है, जो कि अराउंड अबाउट 28 to 30 lakh का जोन बनता है डिपेंडिंग अपॉन द डॉलर टू रुपी रेट, इट इज़ करेंटली द एक्सचेंज रेट इज़ 82. सो जो 40,000 से ऊपर वाली है उस पर 100% ड्यूटी है, 40,000 से नीचे वाले पे जो ड्यूटी है वो 70% है. $40,000 की बात कर रहा हूँ मैं, ₹40,000 की बात नहीं कर रहा मैं, राइट. सो सेकेंड इज़ द CKD रूट, विच इज़ नोन एज कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट. सो नॉकडाउन यूनिट में जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही आके असेंबल होते हैं. तो इसको अगर हम बेसिक, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म में समझें कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो आ गए हैं जी, वो इंडिया में, जो इंडिया का, इंडिया में जो उस मैन्युफैक्चरर का लोकल प्लांट है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिकली ही गाड़ी बनती है सारे पार्ट्स को लेके. सो CKD और CBU रूट का हमने जान लिया, 100% 70%, 40,000 से ऊपर 100, 40,000 से नीचे 70%, $40,000, राइट. देन CKD रूट की जो गाड़ियाँ हैं उन पर जो टैक्सेशन लगती है वो 15% लगती है. तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है कि जो माउंट, जो जिसमें मोटर वगैरह या जो इंजन वगैरह जो होता है गाड़ियों का, वो अगर चैसिस के साथ माउंटेड है तो उसको 35% लगाते हैं, और जिनमें पूरी ही असेंबल हो रही है तो 15% लगाते हैं. तो यहाँ पे कॉस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ अ वीडियो इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यू EV पॉलिसी विच इज़ बीन जस्ट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो पहले तो हम जानेंगे कि ये जो पॉलिसी है इट हैज़ बीन नोटिफाइड in a gazette notification on 15th March, right? So Union Government has approved a scheme to promote India as a manufacturing destination so that electric vehicle with latest technology can be manufactured in India. It is part of a Make in India program. Policy designed to attract investment in e-vehicle space by reputed global EV manufacturers. That line is very important and very catchy, right? So we know why. We know the obvious reasons why this is catchy. So let's not go into that zone. So ab is policy ka benefit lene, policy ka jo agar pura benefit lena hai, to uske criteria banaye hai Government of India ne. So usko hum teen parts mein, uske teen hai basically broad parts. First is the investment criteria. Second is the manufacturing plant. And third is the benefit you can take for importing the cars. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो अगर हम इसके फाइनल प्रिंट्स में जाएं तो उसमें दिया गया है कि 10,000 करोड़ एनुअली जो मिनिमम फाइनेंशियल होना चाहिए, जो उनका फाइनेंशियल ईयर का जो जो इवेल्यूशन होती है कंपनी की, ऑटो ईएम की, तो मिनिमम इट शुड बी 10,000 करोड़. अगर कोई इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ड ऑन, एंड इट दिस इन्वेस्टमेंट वुड बी बेस्ड ऑन द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर, राइट. सो एक तो ये हो गया, अगर कंपनी 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए, अगर उसका कोई सब्सिडरी है तो उसका वो 3,000 करोड़ का वैल्यूएशन होनी चाहिए. अब इवैल्यूएशन के बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है कि इंडिया में जो भी ये कंपनी इंडिया में आएगी तो उसको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी, विच वुड बी क्लोज टू 4,150 करोड़, विच कम्स अराउंड टू बी 5,000 मिलियन डॉलर्स, राइट. ये मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ये कमिट करनी है इंडिया में उस ऑटो ईएम को, एंड इसकी हायर कैप नहीं है, राइट. देन उसके बाद जब ये कंपनी इंडिया में आती है, इन्वेस्टमेंट इतना कमिट करती है, तो दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया.
3 साल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड स्टार्ट एंड इट शुड हैव अ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ऑफ 25% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, देन द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये 25% से 50% हो जाएगी. तो अगर ये सारी क्राइटेरिया को कंपनी फॉलो कर रही है राइट, तो उसके लिए कंपनी को एक बैंक गारंटी भी देनी होगी जो कि 4,150 करोड़ की है. एंड अगर ये कंपनी वो क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेगी तो इसको वो फोगो कर सकते हैं, बैंक गारंटी गवर्नमेंट क्लेम कर लेगी राइट. सो एज पर दिस न्यू ईवी पॉलिसी द एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड विद इन 120 डेज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम. सो दैट मीन्स इट इज़ प्रीटी मच इफेक्टिव, दो 120 दिन स्टार्ट हो गए हैं. एंड देर आर वन और टू माइनर डिटेल्स विच आई एम नॉट गोइंग थ्रू बिकॉज वो ज़्यादा डिटेल हो जाता है. सो मिनिमम हमारा यही रहेगा कि फर्स्टली दे हैव टू कमिट मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 4,150 करोड़. देन दे विल हैव टू सेटअप अ प्लांट, पहले 3 साल में 25% DVA, बाद के 5 साल में टोटल वो जो 50% DVA कर देना है. अब इस सब का बेनिफिट क्या रहेगा मैन्युफैक्चरर को? तो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट ये रहेगा कि मैन्युफैक्चरर जो है वो 8,000 गाड़ी जो वो CBU रूट से ला रहा था पहले, जिस पे 100% ड्यूटी लग रही थी, वो अभी स्कीम के बेनिफिट से दे कैन इम्पोर्ट 8,000 कार्स एनुअली. 5 ईयर्स में ये 40,000 हो जाएगा. तो उस पे जो टैक्सेशन होगी वो 15% लगेगी. पहले वो CBU में आ रहा था 100% से, अब वो CKD रूट से एलिजिबल होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, तो 15% ड्यूटी लगेगी. और उसकी जो उन्होंने मिनिमम अमाउंट लगाई है गाड़ी की वो $35,000 लगाई है, वही जो 27-28 के ब्रैकेट में आ जाता है. और दूसरा ये भी है कि कैरी ओवर भी दिया जाएगा, द कैरी ओवर ऑफ अनयूटिलाइज एनुअल इम्पोर्ट वुड बी परमिटेड. सो these are the details of the new EV policy and now we come to the last part of the video, how will it impact our EV sector India. सो जैसा कि मैंने बताया था जो ईवी जो नोटिफिकेशन है उसकी में बड़ी सी लाइन लिखी गई है, पॉलिसी इज डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन ई व्हीकल स्पेस बाय रिप्यूटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स. एंड वी ऑब्वियसली नो टेस्ला इज बीन रूमर टू कम टू इंडिया फ्रॉम very long time. Whenever our PM used to go to US or any higher dignitary from US came to India, it was always a talk of the town, Tesla kab aa rahi hai, kab aa rahi hai. Look, Tesla will come to India. It's like when. So that when has arrived. So there is no reason for Tesla to not to come in India. So in this last part of the video, we will be just discussing that how this new EV policy will इम्पैक्ट दी ईवी सेक्टर इंडिया. देखिए जो इस पॉलिसी से हमें बेनिफिट रहेगा, टेस्ला हो गया, ये डेक्स आर क्लियर फॉर टेस्ला टू कम इन इंडिया एंड इट शुड बी वेरी सून बिकॉज ये जो पॉलिसी है बता रही है कि 120 दिन में जब ये नोटिफाई हो जाएगी तो 120 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड. सो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर कमिंग इन इंडिया इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. देन they will have a CBU, they will have a 8,000 cars which can be imported, जो carry over भी हो सकता है. So that benefit is always there. Then for manufacturers which are already in India like Hyundai and Kia, ये इस consortium को बहुत बड़ा benefit हो सकता है. They have got lot of electric vehicles in their portfolio. They are planning for India specific EVs also. MG JSW का जो अभी recently the joint venture हुआ है, MG good benefit from this. And Winfest, which has just recently come, उसको भी benefit हो सकता है. So it's a good thing that it would be a make in India also. गाड़ी इंडिया में बनेगी, ठीक है, 50% localization हो जाएगा. So in terms of technology which would come to India and that to a global, that would be a reputed brand. BYD को मैं भूल गया हूँ, Build Your Dreams, अगर उनका जो चाइना कनेक्शन है वो शॉर्ट हो जाता है थोड़ा सा, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री. सो ऑन दी होल इट्स अ वेरी गुड मूव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक सर्टन पॉलिसी है एंड देर इज़ नो ग्रे एरिया इन दिस. सो अभी कोई ऐसा डाउट नहीं है कि भी 5 साल में क्या होएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिलेटेड इंडिया में.
So it's a very good manufacturing policy which should help the EV sector per se in a whole. Time will tell कि कितना बेनिफिट होगा, क्या होगा. क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल कि भाई मेरी ये वाली गाड़ी सस्ती हो जाएगी, वाली गाड़ी. भाई गाड़ी सस्ती अभी कुछ नहीं होने वाला. इट विल जो मैन्युफैक्चरर है उसको एक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, फिर उस क्राइटेरिया को फॉलो करके जो उनकी 40-35 हज़ार डॉलर से ऊपर वाली गाड़ी है CBU के लिए, उसमें उनको बेनिफिट हो जाएगा. सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड डू वॉच दिस स्पेस फॉर मोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट.